बहुत ज्ञानी है। हाँ, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है तूने? आपके साथ मैं हूँ अंजना ओ मोदी। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिंदा नवा पंजाबी रेडियो। मैं थोड़ा दोस्त सनमीत सिंह। आज दी वीडियो ओवैसी साहब दे साढ़े इंडिया दे एक राज्यसभा दे मेंबर ने ते एक पॉलिटिकल लीडर ने। साढ़े देश विच जो मुसलमान रहिंदे है उन्हां दे लई एक चेहरा ने, चेहरा मिंटू से है कि उन्हां दे प्रधान है एक तरह दे। ते उन्हां दे मतलब जे भी कोई भी इस्लामिक कोई गलबात हुंदी है ते उस चीज़ नूं हैंडल करदे है। तो दूजी साइड एक न्यूज़ रिपोर्टर है अंजना ओम मोदी कश्यप मोदी मैं कहता, मतलब उन्हें आप ही खुद मुँह चो निकलिया। सो कुछ वीडियोज़ है, देखते हैं कि हिसाब किताब है। लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सबसक्राइब करो पंजाबी टीवी एंड वीडियो में शेयर पक्का करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इदा है कि जे तुसीं लाइक कमेंट करोगे तो यह अपने आप लोगों को रिकमेंड करता है वीडियो वध तो वध। सो आ जाओ देखो तो कुर्सी की पेटी बन लो, एंटरटेनमेंट दे विच चाक दो हटिया। अमित शाह साहब के बारे में आपने सुना कितने ज्ञानी है वो? बहुत ज्ञानी है। हाँ, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। क्या बोला तूने? 2080 से काम कर रहा हूँ। पीछे भाई फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक इंडिया पलट के आ गए। वाह, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अमित शाह साहब ने उत्तर प्रदेश युवाओं से कहा कि जो युवा हमको वोट दे देगा कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 12वीं के बाद इंटर में जाएगा हम उसको लैपटॉप सेलफोन देते। हाय हाय हाय, ये दुनिया नू गरीब बना दो, होर गरीब बना दो, चांसे दे दे के जवाकों नू कि थोनू लैपटॉप देवांगे, थोनू मतलब कोई चंगिया सहूलत ना दियो, नौकरियां ना दियो, खरात दियो, टंग चंगा इदां दे काम करो। हां हां हां, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। 12th के बाद इंटर, ये हमको पता नहीं था मोदी जी। क्या आपने भारत को बना रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं। क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कहीं पर अमित शाह भाषण दे रहे थे तो भाषण में कहा मैं यहाँ पर फुलां तारीख को 17 फरवरी 2070 को 2070 यार मेनू लगता अमित शाह जी पक्का ये टाइम ट्रैवल करके आए है, ता करके उन्होंने मुंह ते वो चीजा चढ़िया होंगे है। तो हमेशा यूट्यूब इदा दीडियो वायरल होंगे जिस टाइम ट्रैवल की गल हों, असली यही ने जिन्होंने टाइम ट्रैवल किया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 2070 में आया था, 2070 में आया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ये तो उल्टा बोल रहा हूँ, ये वापस कैसे आ गए फिर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। 2070 से 22 में वापस आ गए, वाकई में शाह है ये, वाकई में शाह है, मान लिया आपके कशो करामात को, मान लिया। स्लिप ऑफ द टंग, जबान फिसलती है। आत्म भारत निर्माण के आत्म भारत क्या सीन है। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। वाह मोदी जी वाह। जबान फिसलती है, हमारी नहीं फिसली आज तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट जी। मोदी जी 24 घंटे सोते हैं ता जो आपका कल्याण हो सके। नेक्स्ट वीडियो देखो। मानो का नेता होता तो घर तोड़े जाते। अच्छा तो तीन ओवैसी क्या भारत के नेता नहीं हो सकते, उनको मुसलमानों का ही नेता बनना है? गुड क्वेश्चन। कौन कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट है? मैंने कहा था। ओह माय गॉड, आप बताइए मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं। नहीं नहीं सर, मैं ये सोच रही हूँ आप बैरिस्टर हैं और अपने जो आपका स्किल सेट है उसका भरपूर इस्तेमाल आप अपने इस जवाब में कर रहे हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा। साहब स्किल सेट है मतलब बाकी दुनिया सारी इत्थे मत्थे ते ओह लिखे है, मतलब सानू नहीं समझ आउंदा कुछ, कमाल है। आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा,
नहीं बिल्कुल, अरे मैं तो मंत्री नहीं बनना चाह रहा हूँ। क्या बात है सर, मेरा खाबी नहीं है ना मेरी कोशिश है। मुझे अल्लाह ने जो इज्जत दी है ना मैडम, शाहों को भी अल्लाह ने इज्जत नहीं दी होगी ना प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत दी होगी जो मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। मैं उसमें खुश हूँ, बहुत खुश हूँ उसमें। A few moments later. मैं क्या, वो मिलिट्री का डिसीजन है, उसको मिलिट्री पर छोड़ देते हैं सर, और इसे सरकार पर छोड़ देते हैं। मैं उस डिसीजन में इस वक्त डिबेट नहीं करूंगी सर उस पर। मुझे इस पर करेक्ट करना चाहिए। मिलिट्री डिसीजन नहीं लेती, सरकार डिसीजन लेती है। भारत के संविधान के लिहाज से भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ ऑफ आर्मी से बड़ा होता है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही नहीं, नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं जाकर आपसे डिबेट नहीं करूंगी। क्योंकि उधर पर कुछ पता नहीं गता घर के, उधर से डिबेट नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम इसका क्या मतलब समझे, देशभक्ति पर, देश प्रेम पर वो सवाल है। जवाब इसका कहा था महात्मा गांधी ने, कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि जनता की आवाज उठाना एनार्की है तो मैं एनार्किस्ट हूँ। महात्मा गांधी ने जब एनार्किस्ट कहा था तो इस बात आपका मतलब क्या है, आपके साथ मैं हूँ अंजना हो मोद। ये बताइए कि सिस्टर अब कहाँ इनको एडजस्ट कीजिएगा, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा सर, हाँ कहाँ एडजस्ट कीजिएगा। वो बच्चा वेट कर रहा है, उसकी हालत खराब है, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा बताइए, कहाँ जगह साहब है ना, बताइए ना सर। आप लोग कैसा इंतजाम किया, एक सेकंड, बच्चा यहाँ पर है, लेके आ रहा है, कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं। अगर आपके पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो आप दूसरे वार्ड में पहले भी तो भेज सकते हैं। हम लोग को बताया ही नहीं जाता कि कहाँ लेके जाए, वहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से हम लोग लेके। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कीजिएगा आप लोग, कोई इंतजाम। अभी 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 मुख्यमंत्री गए ना यहाँ से, तब ये हालत है। मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं तब ये हालत है। पेशेंट लाके वेट कर रहा है, अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते घंटे तक। आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना, आपकी नर्सेस उसकी सुध ले रही है, कोई सुध नहीं ले रहा। केस अभी अभी जस्ट आया, मैं अभी राउंड ले रहा हूं। आप 5 मिनट से तो मैं देख रही थी बच्चे को पड़े हुए, मैं राउंड। लेकिन अगर कोई नया पेशेंट आया है तो उसको आप इंस्ट्रक्ट तो कीजिएगा कहाँ भेजना है, क्या करना है। नया पेशेंट है तो सिस्टर अटेंड कर रही थी ना, आप खड़ी है, आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, आपने बताया। अच्छी बात करने के लिए हम नहीं आए सर, हम तो ये देखने आए कि बच्चे की जान की कीमत इस देश में बची है या नहीं बची है, कितने बच्चे मरे, डबलिंग करेंगे, कितने बच्चों की मौत पता चल जाएगा आपको, कितने बच्चों की मौत हो रही है। देखिए कि पल पल यहाँ बच्चों की मौत हो रही है और आप कह रहे हैं बच्चा बड़ा हुआ है, थोड़ी देर में हम देख लेंगे फिर कर लेंगे, ये तो सिस्टम है ना। नहीं बोला हमने थोड़ी देर में देख लेंगे, प्लीज बोल रहे थे आप, अभी हमने ये बोला थोड़ी देर में देख लेंगे, बच्चा आया, हम रोन ले रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ अंजना हो मोद। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना हो मोद। यार मतलब ठीक है कि जर्नलिस्ट आ चैनल है, लेकिन इतना थोड़ा होंगे यार कि जिते दिल किया उ माइक खोल के कैमरा चक के ते मुंह चक लिया ते सवाल जवाब करन लग गए। वो बंदा जो डॉक्टर सीगा उसे तो साफ पता लग रहा सीगा कि उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, मैनू तो यही फील होया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਓਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾਂ, ਹੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ।
सबसक्राइब कर लो, बहुत वधिया कॉन्टेंट अपलोड करीदा है, तो बहुत कुछ है बई, ये सारिया प्लेलिस्ट है ठीक है, तो बहुत सारिया वीडियोज़ है तुसी देख सकते हो चैनल पर, 2800 के करीब वीडियोज़ हो चुकी हैं, 5-6 साल हो चले अपन, इदा ही प्यार करते रहो, इदा ही सपोर्ट अपनी दिखाते रहो, तो बाकी जिन्होंने वीडियोज़ पुरानी नहीं देखिया जाके देख लो, मिलते थोड़ा किसी और वीडियो, तद तक मैं दो इजाजत, सत श्री अकाल।